गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है, वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है, वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ये हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मानने मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी एमबीए, क्वालिफिकेशन लिखते हैं, तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?